अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्लानिंग कमीशन के फॉर्म 3 यानी PC3 के बारे में समझेंगे। ये बात याद रखें कि PC3 फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए विच रिलेट्स टू द एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और पार्ट बी विच रिलेट्स टू द मंथली इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट। यानी PC3 फॉर्म का पार्ट ए और पार्ट बी अपनी नौइयत में एक जैसे होते हैं, लेकिन पार्ट ए पर हम एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हैं और पार्ट बी पर हम मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम PC3 फॉर्म के पार्ट ए के बारे में समझेंगे। ये टाइटल पेज है PC3 फॉर्म के पार्ट ए का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि मॉनिटरिंग रिपोर्ट सबमिट करना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, यहाँ पर फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हम मोनोग्राम देंगे। अगर ना देना भी चाहिए तो कोई मसला नहीं है। आइए अब हम रिपोर्ट की तरफ पढ़ते हैं, पेज 1। और ये बात भी याद रखें कि ये सिंगल पेजर फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसकी सीरियल नंबर 1 पर दिया है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का टाइटल देंगे। इन आवर केस हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस इन गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, तो यहाँ पे वो हम लिखेंगे। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव्ड कैपिटल कॉस्ट कितना था, तो वो यहाँ पे हम मिलियन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 43 मिलियन है, तो वो हम यहाँ पे 43 मिलियन लिखेंगे। अब इस अप्रूव्ड कॉस्ट के अगेंस्ट कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। एक्सपेंडिचर की दो किस्में हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से मुराद वो एक्सपेंडिचर है जिसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने प्रोजेक्ट के अगेंस्ट 3 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर करते हैं और ये 3 लाख के एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट हम पेमेंट भी करते हैं मुतालिका फर्म को, तो ये हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गए। जबकि अक्रूड एक्सपेंडिचर से मुराद वो एक्सपेंडिचर है जो हमने किए होते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट हमने अभी तक पेमेंट नहीं की हुई होती है, यानी AG ऑफिस में या बिल पेंडिंग है या डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे जो अक्रूड एक्सपेंडिचर है वो 50,000 है, तो 3 लाख के हमारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और 50,000 के हमारे अक्रूड एक्सपेंडिचर है यानी लाइबिलिटी है। तो 3 लाख और 50,000 को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो 350,000 है, तो वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टोटल के खाने में। ठीक है, फिर ये सीरियल नंबर 4 पे देके PSDP एलोकेशन फॉर द करंट ईयर, चूंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है यह प्रोविंशियल ADP से फाइनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे PSDP की जगह पे हम लिखेंगे प्रोविंशियल ADP एलोकेशन। तो एलोकेशन 2 कंपोनेंट्स में होती है, लोकल कंपोनेंट है इसका यानी लोकल करेंसी में हमने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने फंड एलोकेट किए हैं, तो वो हमने यहाँ पे दिया था 43 मिलियन, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज में हमने कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया है, तो वो नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आप उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें और यहाँ पे वो आप रिफ्लेक्ट करें। फिर लोकल और फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट के दोनों एक्सपेंडिचर को आप जमा करें और टोटल के खाने में लेके। अब एनुअल वर्क प्लान, हमने PC1 में हम वर्क प्लान भी देते हैं कि हम पहले साल क्या करेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे और तीसरे साल क्या करेंगे। तो नॉर्मली पहले साल हम ये करते हैं कि इसके लिए हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट करनी है उसको हम आइटम कहते हैं। ठीक है, तो जिन जिन आइटम की हमने प्रोक्योरमेंट करनी है वो हमने इस कॉलम में मेंशन करने हैं। फिर हर आइटम के कितने यूनिट हमने प्रोक्योर करने हैं, तो वो हम यहाँ पे देंगे। PC1 में ये दिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्वान्टिटीज़ तो वही यूनिट्स ही हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद कोई कॉलम्स क्रिएट करें तो आप फिर प्राइस भी लिखे, फिर यूनिट और प्राइस को ज़रब दे और टोटल मतलब उस आइटम के अगेंस्ट कितने एक्सपेंडिचर करेंगे, तो आप वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब इस साल के लिए आपका टारगेट कितना था, फॉर एग्जांपल आपने टोटल जो आइटम प्रोक्योर करने हैं वो 50 आइटम प्रोक्योर करने हैं। ठीक है, और करंट ईयर के लिए आपने जो टारगेट रखा है वो 40 का रखा है। ठीक है, और सपोज आपने इस साल 30 जून तक आपने सिर्फ प्रोक्योर किए हैं 30, तो यहाँ पे 40 का फिगर आएगा, यहाँ पे 30 का, और टोटल जो हमने प्रोक्योर करने हैं 50, तो हम ये आप यूनिट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हर आइटम की डिटेल आप दे दें। अच्छा, क्वार्टरली वर्क प्लान आपका क्या है। ठीक है, तो ये आपका एनुअल वर्क प्लान पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आइटम के खाने में हम जिक्र करेंगे कंप्यूटर, हमने कितने कंप्यूटर प्रोक्योर करने हैं इस साल में, फॉर एग्जांपल 50,
तो 50 को आप 4 पर डिवाइड करें तो ये आपके पास क्वार्टरली फिगर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर 50 को हमने परचेस करने तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने 12 या 13 कंप्यूटर प्रोक्योर करने हैं, दूसरे क्वार्टर में भी इतने करने हैं, तीसरे में भी इतने करने हैं और फोर्थ में भी इतने करने हैं। लेकिन ये नॉर्मली हम वन गो में करते हैं, यानी हमने जो जो आइटम प्रोक्योर करने होते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए तो वो नॉर्मली हम वन गो में देते हैं, वन गो में प्रोक्योर भी करते हैं और वन गो में यहाँ पे भी मेंशन भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 यूनिट प्रोक्योर करने हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में वो प्रोक्योरमेंट करें, ये भी हो सकता है कि हम वो 50 यूनिट फोर्थ क्वार्टर में लमसम एक साथ प्रोक्योर करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर एनुअल वर्क प्लान के बेसिस पर आप जो क्वार्टरली वर्क प्लान वर्कआउट करते हैं उसी के मुताबिक आपका जो एनुअल कैश प्लान है उसको भी 4 पर आप डिवाइड करें और आप क्वार्टरली कैश प्लान इसमें से वर्कआउट करें और फिर उसको फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर का कैश प्लान दे दें, सेकेंड क्वार्टर में सेकेंड क्वार्टर का कैश प्लान दे दें, थर्ड क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर का दे दें, फोर्थ क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर का दे दें। इसको मैं एक आसान एग्जाम्पल से सिंप्लीफाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर प्रोक्योर करने हैं 50 कंप्यूटर, तो आपने फर्स्ट क्वार्टर में 12 या 13 कंप्यूटर प्रोक्योर करने हैं। अब इन 50 कंप्यूटर्स के लिए से इसके लिए हमारे जो एलोकेशन है वो 500,000 रुपए है, ठीक है, इन 50 कंप्यूटरों के लिए। तो उस 500,000 को आप 4 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्वार्टरली कैश प्लान आ जाएगा और फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली आप इन चारों क्वार्टर में वो अलग अलग एंटर करें। आउटपुट इंडिकेटर, आउटपुट इंडिकेटर से मुराद ये है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए PC1 में क्या क्या प्लान किया था कि आप पहले साल क्या आउटपुट हासिल कर लेंगे, दूसरे साल क्या हासिल कर लेंगे और तीसरे साल क्या हासिल कर लेंगे। तो उसमें फिर ये दिया जाता है कि क्या PC1 के मुताबिक वो इंडिकेटर्स हम अचीव कर रहे हैं, क्या उसको हम अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले साल हमने ये प्लान किया था कि हम 50 कंप्यूटर्स खरीदेंगे और 50 स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करेंगे, ठीक है, तो क्या वो 50 स्टूडेंट्स इसमें ट्रेन हुए हैं या नहीं है। इसी तरह वो तमाम इंडिकेटर्स आप देंगे। इन आवर केस फॉर एग्जांपल हम इज्यूम करते हैं कि हम पहले साल जो है वो ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस खरीदेंगे और दूसरे साल हम 9th 10th के बुक प्रिंट करेंगे, तो क्या अगर ये दूसरे साल का PC3 हम बना रहे हैं तो क्या 9th और 10th के वो बुक्स प्रिंट हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंडिकेटर में आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप PC3 फॉर्म का पार्ट ए समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम PC3 फॉर्म के पार्ट बी के बारे में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।